गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और प्लान ऐसा बना है कि मुरुडेश्वर टेम्पल जाने का, जो कि 80 किलोमीटर है यहाँ से। और उसके बाद प्लान है गोवा जाने का। कल तो हम लोगों ने रात में ऐसी कुडले बीच और ओम बीच पे टाइम स्पेंड किया और ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत थक गए थे और ऐसे ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो अभी प्लान है मुरुडेश्वर टेम्पल जाएंगे और फिर गोवा वहाँ से। तो गोवा में अचानक से प्लान बना है, कोई बुकिंग्स या कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया है, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। एक्साइटिंग लग रहा है बहुत। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आपको भी मुरुडेश्वर टेम्पल की दर्शन कराते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अभी मैंने रिजॉर्ट का आपको ओवरव्यू नहीं दिया है, तो मैंने सोचा चलो रिजॉर्ट का ओवरव्यू दे देती हूँ। और यहाँ प्यारा सा स्विंग है, तो चलिए ओवरव्यू देती हूँ आपको रिजॉर्ट का। सो दिस इज़ आवर स्टे वेयर वी आर स्टेइंग। और यहाँ पे इंडिविजुअल हट्स है बहुत सारे और ये है इनकी प्रॉपर्टी। और ये है इनका पार्किंग लॉट। गाइज वी आर ऑन द वे टू मुरुडेश्वर टेम्पल। तो देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है मुरुडेश्वर टेम्पल हम जा रहे हैं, तो पता है बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो व्यू है वो हम उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं। मुरुडेश्वर टेम्पल स्थापित करने के पीछे भी एक कथा है। कहते हैं कि रावण शिव जी को बहुत मानता था और वो 3 बार शिव जी की आराधना करता था। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग देते हुए कहा कि तुम इससे अमर हो सकते हो, लेकिन तुम अमर तभी हो सकते हो जब इसे तुम लंका में स्थापित करोगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसे कहीं भी नीचे नहीं रखना है। तब सारे ईश्वर दुविधा में पड़ गए कि अगर रावण अमर हो गया तो इस विश्व का नाश कर देगा। तब विष्णु जी ने भेष धारण किया और रावण को छल कपट से शिवलिंग नीचे रखने पर मजबूर कर दिया। तब शिवलिंग का एक कपड़ा उड़कर मुरुडेश्वर के तरफ गिरा और आज वहां मुरुडेश्वर टेंपल स्थापित है। पहुंच गए हैं मुरुडेश्वर टेम्पल और अभी हम खड़े हैं एंट्रेंस पर। आइए चलते हैं। पहुँच गए हैं मुरुडेश्वर टेम्पल और यहाँ पर गाड़ी पार्क करके हम भी वॉक करके यहाँ से जाएंगे।
शिव जी का स्टैचू देखा। अब हम जाएंगे अभी लिफ्ट से ऊपर, और लिफ्ट का जो 18th फ्लोर में जाना है, और टिकट का प्राइस है 10 रुपीज़। तो ऊपर जाके देखते हैं कैसा रहता है। ब्लॉग होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और सच में गाइस बहुत अच्छा है। अगर आप गो करना या गोवा आ रहे हो तो कोशिश करो कि यहाँ जाओ। ब्रेथ टेकिंग व्यू है, ऊपर से 18th फ्लोर जाना होता है और वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू रहता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, सडन प्लान बना है गोवा जाने का। तो आगे के ब्लॉग में देखिए हम गोवा में कहाँ स्टे करते हैं और क्या एक्सप्लोर करते हैं। गाइस अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।